अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबका? उम्मीद है आप सफाई से होंगे। अभी मैं ये बनाने लगी हूँ क्विक। रात का टाइम है तो मैंने सोचा कोई चीज़ जल्दी जल्दी बना लूँ, तो फिर राइस जहन में आए तो मैंने कहा चने राइस बना लूँ, तो चने वाले राइस और उसमें थोड़े से आलू भी डालूँगी वो बनाने लगी हूँ। जल्दी जल्दी बनने वाली चीज़ है ये। मैंने ओनियन काटे हैं, तकरीबन 3 थे छोटे छोटे ओनियन काटे हैं, और उसमें ऑयल डाला है, और इनको ब्राउन होने तक मैं इनको पकाऊंगी, और फिर आप देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ खाना। जो जब जल्दी जल्दी बनाना हो तो चने इनको ब्राउन होने तक पकाएं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी मैं क्या डालना। ये देखिए अभी ओनियन ब्राउन हो रहे हैं, तो मैंने 2-3 कड़ी पत्ते और 2 इलायची के ये टुकड़े और 2 मोटी सॉरी 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 मोटी इलायची डाल दी, तो इनको भी इसके साथ ही भुनने दें। ये तकरीबन हमारे हो गए, जिसका हमें कलर चाहिए होता है इतने हमें ब्राउन होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होने चाहिए। तो अब इसमें मैं पानी डालूँगी और इसके ऊपर मैं कवर कर दूँगी ताकि ओनियन का अच्छा सा रंग निकल जाए। पानी थोड़ा सा डालना है, 1/2 कप डाल के, और साथ ही आपने इसको कवर कर देना है ताकि ओनियन का रंग निकल जाए। अब इसके अंदर ये मैंने 2 छोटे छोटे टमाटर काटे हुए हैं, ये डाल देंगे, और ये सारे मसाले हैं। इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ज़ीरा 1 टीस्पून, रेड चिली 1 टीस्पून, और 1.5 टीस्पून नमक, क्रश चिलीज 1/2 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून जो है वो सूखा धनिया है। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने, बस ये डालने, बाकी हमने साबुत डाल दिए हैं, और काली मिर्चें लौंग वगैरह मैंने नहीं डाले क्योंकि मेरे बच्चे नहीं पसंद करते। लेकिन आपका कोई अगर ऐसा इशू नहीं है तो आप लौंग भी डाल लें, 2-3 लौंग डाल लें, 3-4-6 तकरीबन काली मिर्चें डाल लें। तो अब इसको थोड़ा सा भूनूंगी मैं, फिर इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या शामिल करना है। ये 1/3 जो है बॉयल चने ये डाल दें, अगर आपके नहीं आपके पास टिन नहीं है तो आप पहले बॉयल कर लें। थोड़े सी चने ये डालें, अब इसको भूनना है, इसको तकरीबन 2 मिनट ही भूनना है, उसके बाद मैं इसमें आलू डालूंगी। ये देखें मैंने आलू काटे, कोई छोटे कोई बड़े, इस तरह आप काटेंगे ना तो आप देखेंगे चावलों में कितने अच्छे लगेंगे और कितना मज़ा आएगा। इस तरह बिल्कुल आपने उनको ना बहुत खूबसूरती से नहीं काटना, बस रफली काटना है। ये इसमें डाल दें, डाल के अब इसमें तकरीबन इतनी सी सूखी मेथी डालें, कसूरी मिर्ची जो होती है वो डाल के इसको आप मज़ीद भूनना है, मिक्स करें और तकरीबन 1 मिनट और भूनें, बहुत ज़्यादा ना भूनें, नहीं तो फिर आलू जल्दी गल जाते हैं, तो फिर ये ना हो के वो मिक्स हो जाए चावलों के अंदर। मैं थोड़ा सा भून के इसमें पानी डालूंगी, मेरे 2 कप चावल हैं तकरीबन 1/2 केजी, तो मैं चावलों के हिसाब से, आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डालें, कोई चावल जो है वो डबल पानी लेते हैं, कोई मतलब 2 कप चावल हैं तो 3.5 कप पानी लेते हैं, मेरा 4 कप मैं डालूंगी तो मेरे सही बनेंगे, डबल पानी लेते हैं। मैं थोड़ा सा भून के फिर इसमें पानी डालूँगी। इस वक्त जब आप भून रहे हो तो आप इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून योगर्ट की भी शामिल करें, इससे आपका जो है ना चने वाले राइस का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। डाल के तो फिर
इसको पहले ऐसे मिक्स करें ताकि जम ना जाए। मिक्स करके इसको भूनें। थोड़ा सा और भुनेंगे फिर इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखें जब अच्छा सा भुन गया, मसाले भी थोड़े थोड़े से नीचे लगना शुरू हो गए, समझो ये भुन गया। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। ये मेरा तकरीबन 4 कप पानी है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये हाफ टेबल स्पून है जो, या 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट की इस पर डाल दें। चाइनीज़ सॉल्ट डाला हुआ हो तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। डाल के इसको मिक्स करें। अब जब इसको एक उबाल आएगा फिर इसमें चावल डालेंगे। उबल रहा है तो इसमें ये मैं चावल, इनको अच्छी सा मैंने धो लिया, धो के इसमें चावल डाल दूँ और मिक्स करके कवर करके चावल के गलने तक मैं इसको पकाऊंगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना, नहीं तो ये चावल टूट जाते हैं, फिर मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह आप मिक्स करें, मिक्स करके इनको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। कि जिस कंडीशन में इनको दम देना है वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो इसको कवर करके पकाऊंगी। मिलते हैं 5 से 6 मिनट के बाद। अब ये देखें जब इस कंडीशन में हो जाए, इतना इतना थोड़ा सा पानी रह जाए और जो आपके चावल है ना वो इस कंडीशन में हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त ना हो और ऐसे लंबे लंबे हो जाएँ और थोड़े से नरम हो जाएँ, बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो, तो फिर आप इसका मतलब है कि दम लगाने का टाइम आ गया। इसके ऊपर आप लेमन करें, 1 लेमन डालें, मैं हाफ ही डालूंगी, आप तो जितना आप खट्टा पसंद करते हैं उतना डाल लें। इससे चावल खिले खिले भी बनेंगे और उनका टेस्ट भी मज़े का होगा। हाफ लेमन डाल के और ये 5-6 हरी मिर्चें हैं ये मैं इसके ऊपर ही डाल दूँगी, काटूँगी भी नहीं, तो फिर ये चावलों में इनका टेस्ट चला जाता है, ये बहुत तेज़ होती हैं। डाल के चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देना है और इसको कवर कर देना है। ये चूल्हा देखिए हमारा बिल्कुल स्लो हो गया और इसको कवर करें और तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसको दम दें। मैं दम खोलूँगी फिर आपको दिखाऊँगी कि कितने मज़े के चावल बनेंगे इंशाल्लाह। हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, अब चूल्हा बंद और हम दम खोल के देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत चावल बने हैं। देखें मैं इनको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। बहुत टेस्टी लग रहे हैं ये, बिल्कुल परफेक्ट चावल तैयार हुए हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये देखें इसके साथ ये वाइट योगर्ट, बिल्कुल प्लेन, इसमें कुछ ना डालें, फिर आप इसका टेस्ट देखिएगा कितना मज़े का होगा। ऊपर योगर्ट डालें, डाल के मिक्स करके लग रहे हैं। बहुत टेस्टी, बहुत परफेक्ट चावल बने हैं। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो देखिएगा आपको कितना मज़ा आएगा।
तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स को भी बोलें मुझे सब्सक्राइब करें, तो आपको मैं क्विक क्विक और मज़े की रेसिपीज देती रहूँगी। ओके व्यूअर्स, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।